डेढ़ साल पहले हमने कदीम कुरान मजीद की कलेक्शन की ये गैलरी इफ्तिताह की थी। हमने इसको आम पब्लिक के लिए ओपन किया ताकि लोगों में ये शऊर हो सके कि हमारी पुरानी हिस्ट्री हम लोगों ने किस तरह प्रिजर्व की हुई है। इस डेढ़ साल के अरसे के अंदर हमने 48 कुरान मजीद शुरू में डिस्प्ले किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 68 तक हमने कलेक्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए जो कि आम पब्लिक के लिए ओपन है। इन सारे कुरान मजीद के अलावा हमारे पास 17 जुबानों में अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं डेढ़ सालों में हमने 17 जुबानों में कुरान मजीद विद ट्रांसलेशन हमने कलेक्शन इकट्ठी की है, जिसमें टर्किश ज़ुबान, जर्मन ज़ुबान, सोमालिया, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, ऑलमोस्ट 17 ज़ुबानें हैं जो कि लोग आके यहाँ पे अगर उसको डिस्प्ले में देखें तो उनको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मुश्किलों के साथ हमने इनको अगेन प्रिजर्व किया। इसके अलावा हमारे पास खाना काबा और मस्जिद नबी के हुजूर सल्लम के दौर के कुछ मॉडल्स हमने तैयार किए हैं जो कि कोशिश की है कि मुख्तलिफ हिस्ट्री को उठाते हुए उसको जेन्युइन तरीके से प्रिजर्व करके लोगों के लिए डिस्प्ले किया जाए ताकि उनको हिस्ट्री से आगाही हो सके। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ कलेक्शंस में जबल अहद का पत्थर, खाना काबा का गिलाफ, मस्जिद नबी का कारपेट, यह आपको एग्जांपल के तौर पे एक कुरान मजीद को मैं मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ। ये मुगलिया दौर के एम्परर आलमगीर, इसके ऊपर स्टैम्प्स लगी हुई हैं जो कि ओरिजिनल हालत के अंदर है, ये आप स्टैम्प्स देख सकते हैं जो कि इस चीज़ की तस्दीक करती है कि इसकी कितनी पुरानी हिस्ट्री है। और अगर इनके वर्कों को आप देखें तो हमने कुरान मजीद के एक एक वर्कों को हमने किस तरह इसको मुश्किल से प्रिजर्व किया हुआ है, इसके एक एक सफ़े को, ताकि ये अपनी ओरिजिनल हालत में रह सके।